ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 20 जनवरी 2021, वेनसडे है, सुबह के 8:36 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा करीब 250 पॉइंट की बढ़त, निफ्टी इंडेक्स में बाउंस बैक देखने को मिला। दो दिन उसके पहले गिरावट देखी थी, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की गिरावट थी और उसके बाद एक सडन बाउंस बैक आया। सपोर्ट के लेवल्स क्या थे ये कल हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल थ्रू डिस्कस किया था, वहीं से बाउंस बैक देखने को मिला है और एक पीवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। वो फॉर्मेशन है क्या एक्चुअली उसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। तो ये है कल का सीनारियो, यानी 19 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,367 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,221। तो ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के पास ही ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में इसने सेकेंड टारगेट को भी अचीव कर लिया। और जैसे ही इसने फिर से एक बार साउथ की तरफ मुंह दिखाया तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और हैमर जैसा कैंडलस्टिक बनाया। और जैसे ही यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ फिर से मूव हुआ तो 14,385 फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 14,401 ये भी अचीव हुआ और पूरे दिन काफ़ी बुलिश निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करते रहा, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात भी देख लेते हैं एक बार। कल यूएस मार्केट नासडैक देखे तो 198 पॉइंट के ज़बरदस्त बढ़त के साथ बंद हुआ। वहां पर फिर से एक बार तीसरा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है यूएस में। यूरोपियन मार्केट्स कुछ अच्छा कर नहीं पाए, कमज़ोर देखने को मिले। एशियाई बाजार आज ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 45 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। वही जापानीज इंडेक्स में भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर को देखें तो अभी हल्की सी बढ़त यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जो हमने बोरिंग कैंडल को मार्क किया था 8 जनवरी का ये बोरिंग कैंडल, इसी के रेंज में, हाई और लो के रेंज में अभी तक ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यूएस मार्केट में अगर देखें डाउ फ्यूचर को देखें तो एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से साइडवेज पैटर्न के थोड़े से मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में ये जो कल फॉल आया था परसों के दिन, तो यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था कि सपोर्ट के लेवल्स कहाँ आ सकते हैं। तो 23.6% एज पर डेली चार्ट का लास्ट लो और हाई पकड़ के जो ड्रॉ किया है उसका 23.6% का लेवल इसने अचीव किया। उसके बाद यहाँ पर एक कल बाउंस बैक जबरदस्त देखने को मिला है, बुल्स ने फिर से एक बार एक्शन यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर पीवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, यानी जो प्रीवियस कैंडल का हाई लो और क्लोज है इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई लो और क्लोज है और रेड के बाद ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हुआ है तो इसे पीवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन कहा जाता है। जब भी डाउन ट्रेंड में या फिर करेक्शन के बाद ऐसा फॉर्मेशन दिखाई देता है तो उसके आने वाले दिन में यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलती है। 70-90% की ये फॉर्मेशन वर्क करता है। अगर पास्ट में अगर सेम फॉर्मेशन देखे ऐसा पैटर्न क्रिएट होने के बाद क्या हुआ था तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये सितंबर 2020 का फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट सेम पीवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन। अगर मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो और भी अच्छे से क्लियरली दिखेगा,
प्रीवियस हाई लोअर क्लोज के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई लोअर क्लोज है और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसे पिवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन कहा जाता है। और इसके बाद देखिए प्राइस एक्शन में ज़बरदस्त यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिला है। तो इसी तरह से हम पास्ट में ऐसे फॉर्मेशंस देख सकते हैं, जब ये फॉर्म हुआ था तब क्या हुआ था, यहाँ पर भी है सेम, ये देखिए पिवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन एक यहाँ पर भी है, और ये फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस एक्शन में हमें अपसाइड मूव देखने को मिलती है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये एक फॉर्मेशन है, तो लेकिन ये जो करेक्शन है ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है, इसके बाद ये क्विकली यहाँ पर क्रिएट हुआ है, एक्चुअल फुल्ली डाउन ट्रेंड नहीं है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद ही आया है। तो नेक्स्ट इसका ज़बरदस्त हर्डल होगा, जो लाइफ टाइम हाई इसने लगाया 14,653 के पास हर्डल होगा, इसको ब्रेक करता है तो आने वाले लेवल्स हमें क्या हो सकता है, इसको हम फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर नया स्विंग हाई लो मिला है, तो इसके मुताबिक 23.6% है, यानी 14,581 के आसपास फर्स्ट हर्डल होगा, इसे पार करता है तो 14,800 के लेवल्स हमें निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक पिवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है, कल 250 पॉइंट की ऑलमोस्ट बढ़त देखने को मिली थी, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी एक यहाँ पर देखने को मिले शुरू में, और फिर उसके बाद निफ्टी यहाँ से अपसाइड मूव अपना कंटिन्यू करे। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ये 60 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद ये जो नेक लाइन है मैं ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाता हूँ, ये डबल बॉटम फॉर्मेशन है, ये देखिए यहाँ पर, और इसकी नेक लाइन को जैसे इसने ब्रेक कर दिया आर्ली चार्ट, फर्स्ट कैंडल बनने के बाद ये फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था और यहाँ से ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। तो ये ऐसे पैटर्न्स होते हैं वो लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो अच्छे फायदे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आज के लिए अगर ब्रेकआउट लेवल को मार्क करना है तो लास्ट अगर कैंडल देखे तो इनसाइड बार फॉर्मेशन बना है, तो कल के हाई के ऊपर यानी ऑलमोस्ट 14,548 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,568, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,582, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो पहला तो हर्डल होगा पिवट पॉइंट का, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब कुछ दिनों पहले गैप अप ओपन हुआ था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल के पास, तो 14,471 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,454, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,434, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।